खबर है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव रथ में सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यालय के पास में एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर प्रहार किया और साथ में सपा बसपा कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर के चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।